हो गया फिर CIC के बारे में, और कल से फिर हम दोस्तों बात करेंगे हम शारीरिक संबंध, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो पेशेंट है वो शारीरिक संबंध बना सकते हैं कि नहीं, संभोग कर सकते हैं कि नहीं, और उनकी पेनिस में ताकत रहती है कि नहीं, उनका स्पर्म फर्टिलाइजेशन होता है कि नहीं, इस विषय पर हम बात। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं आप लोगों के समक्ष। तो दोस्तों, कल का जो हमारा वीडियो था उसका टॉपिक, हम जो टॉपिक पर आ रहे थे वो था यूरिन के ऊपर, यूरोलॉजी के ऊपर। तो दोस्तों, पेशाब का कैसे जो है सो मैनेज करेंगे हम, इस पर था। तो हम CIC के बारे में बता रहे थे। तो दोस्तों, CIC के बारे में ही अभी हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम जानते हैं कि CIC जो है सो क्या चीज़ है और इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या प्रॉब्लम होती है। तो सब पहले इस पर हम विचार करते बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारा ब्लैडर साफ नहीं होता है, पूरी यूरिन नहीं निकलती है बाहर, और जो कैथेटर लगने के बाद जो हमारे जो रास्ते होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और सेंसेशन नहीं रहने के कारण उसमें रास्ते में सिकुड़ाहट आ जाता है और वो पिचक जाता है, रास्ता पूरी रास्ता फ्रेश नहीं हो पाता है, और इसीलिए ताकत लगाने पर ही पेशाब बाहर नहीं निकलता रहता है। ज़्यादा अगर रुकता है तो उसे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कहते हैं, तो फिर उसमें डायलिटेशन कराना पड़ता है, फिर उसको एक छोटा सा ओ यू की ऐसे कोई ऑपरेशन होता है वो कराना पड़ता है। और ऐसे नॉर्मल में अगर हम देख लेते हैं कि रास्ता अगर हमारा फ्री है तो हम CIC कर लेते हैं, और CIC से हमारा लगातार अगर CIC करते हैं तो रास्ता हमारा फ्रेश रहता है और आगे चल के सही हो जाता है। तो दोस्तों, जब हमारा जो कैथेटर निकलता है, निकलने के बाद हमको जो है सो CIC शुरू कर देना चाहिए। कहे कि रास्ता बना हुआ रहता है, फैला रहता है, लेकिन अगर 2-4-5 दिन अगर लेट कर देते हैं, बाद करते हैं, तो वही दिक्कत होता है, पाइप पास नहीं करता रहता है। तो इसमें भी ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, पाइप अगर नहीं पास करता है तो थोड़ा देर रुक जाइए वहाँ पर, और रुकने के बाद हल्का सा फिर इशारा दीजिएगा, पाइप पास कर जाएगा। अगर नहीं पास करता है तो फिर रुक जाइए, तो तब आप डॉक्टर से दिखाइए, उसके बाद तो डायलिटेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही पाइप पास करेगा। और उसके लिए हमको एक निलेशन पाइप चाहिए, उसके बाद एक जेली चाहिए। जैसे देख लीजिए दोस्तों, ये पाइप है, ये है निलेशन पाइप, इसी पाइप से CIC करते हैं, देख लीजिए नज़दीक से, इसमें यहाँ पर छिद्र होता है और इस तरफ से पेशाब निकलता है, और ऐसे करके हमको डालना पड़ता है ऐसे करके। तो इसका पैकिंग जो है सो फट गया है, मेरे पास केवल पाइप है। और उसके बाद चाहिए आपको ये जेल चाहिए, ये जेली है, देख लीजिए ये जेली है, और इसको मैं नोजल देता है लगाने के लिए, जो इसमें एक नोजल है लंबा सा, तो इस नोजल को इसमें कस लेते हैं, और कसने के बाद अपने क्षेत्र में नोजल को डाल करके, और इसका पूरा जेल, पहली बार में अगर नया कर रहे हैं तो पूरा जेल अंदर डाल देना है, और डालने के बाद हमको जो है सो पेनिस को पकड़ करके दबा करके रखना है ताकि जेल बाहर ना निकल जाए, नहीं तो सारा जेल बाहर निकल जाता है प्रेशर से। इसके बाद जो है सो हम पाइप डालेंगे। तो सामान हो गया कि निलेशन पाइप चाहिए, जेल चाहिए, और उसके बाद हमको उससे पहले हमारा हाथ साफ होना चाहिए, डिटॉल चाहिए या बीटाडीन वहाँ पर चाहिए, पानी, सुसुम पानी, गर्म पानी चाहिए, गुनगुना पानी चाहिए, ताकि तुरंत अगर पाइप को अगर साफ करके रखना है तो फिर उसी समय साफ करना होगा, ऐसा नहीं कि बाद में साफ करेंगे, निकालें और उसी समय हमको साफ करके पाइप रख लेना है। इसलिए पानी, डिटॉल या बीटाडीन चाहिए वहाँ पर, और हाथ हमारा पूरी तरह स्वच्छ साफ होना चाहिए। अगर आपके पास सुविधा है तो आप ग्लव्स लगा सकते हैं हाथ में, अगर ग्लव्स की सुविधा नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे हाथ में नाखून साफ होना चाहिए, हाथ हमारा अच्छी तरह सैनिटाइज होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ताकि बाहर की गंदगी ना जा पाए अंदर। और एक और बात की गुप्तांग का जो गंदगी होता है, जैसे बाल होता है,
तो उसको या तो काट लें नहीं तो छोटा कर लें, क्योंकि निलेसन के दौरान एक भी बाल अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बहुत भयंकर एक इन्फेक्शन हो जाता है बाल से। तो इस सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है CIC में। और एक और बात दोस्तों आप लोगों को हम बता देते हैं कि हमने महसूस किया है और बहुत अच्छा तरह महसूस किए हैं इसको, कि ध्यान के द्वारा हम आप ध्यान कीजिए, ध्यान कोशिश कीजिए ध्यान करने का। और ध्यान में आप क्या करना है कि हमको अपने मन को ध्यान को केंद्रित करना है कहाँ पर, तो जैसे हम जब हम स्वस्थ थे और पेशाब करते थे तो हम कैसे लिंग को ऊपर, मतलब पेशाब करते समय रोकते थे पेशाब को और छोड़ते थे, रोकते थे और छोड़ते थे, तो वो जो यूरेथ्रा होता है दोस्तों, यूरेथ्रा में एक बल्ब होता है, वहीं से हम पेशाब को रोकते हैं और छोड़ते हैं, उस समय हमारा पेनिस ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसमें ध्यान हमको उसी जगह पर याद करना है जो हम कैसे करते थे, और उसी जगह पर हमको ध्यान केंद्रित करना है। और लगभग यही प्रक्रिया आपको डेली रोजाना ध्यान करना है, सुबह में उठ करके और ध्यान कीजिए। और हमने महसूस किया है, महसूस ही नहीं किया है कि दोस्तों अब हमें मतलब पूर्ण रूप से अब हमको पूरा पता चलता है कि हम वहाँ से रोकते हैं और छोड़ते हैं, केवल पेशाब का ही नहीं, हम जो हमारा बाउल मूवमेंट है लेटरिन का, उस पर भी हम ध्यान लगाते हैं। और ध्यान लगा करके हम ध्यान केंद्रित करते करते हम उसको भी अब बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, अगर एक साल के बाद जो है सो हम ध्यान करते करते उसको भी हम अपने मतलब दिमाग में जो है सो केंद्रित कर लेंगे, तो उस पर ध्यान करना है दोस्तों। तो इस तरह हम हो गया फिर CIC के बारे में। और कल से फिर हम दोस्तों बात करेंगे, हम शारीरिक संबंध, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो पेशेंट है वो शारीरिक संबंध बना सकते हैं कि नहीं, संभोग कर सकते हैं कि नहीं, और उनकी पेनिस में ताकत रहती है कि नहीं, उनका स्पर्म फर्टिलाइजेशन होता है कि नहीं, इस विषय पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए अब वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।